नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। राजधानी दिल्ली सर्दियों में गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है, वहां हालात अब गंभीर होते जा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का सिर्फ एक कारण बताया जा रहा है। दरअसल दिल्ली से सटे राज्यों पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने की घटनाएं बढ़ गई है। दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर अब 40% हो गई है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण और कोरोना का डबल अटैक जारी है। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में 5000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ गए हैं। वहीं प्रदूषण के स्तर में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर अचानक गंभीर श्रेणी में आ गया है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है, जबकि कई जगहों पर ये गंभीर श्रेणी में है। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण की समस्या गहराने लगी है। इसका मुख्य कारण आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाना है, जिसकी वजह से दिल्ली NCR की हवा लगातार खराब हो रही है। दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो गई है। ये इस मौसम में सबसे ज्यादा स्तर है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली ने बताया है कि ये इस सीजन का सर्वाधिक स्तर है, जब राजधानी के वायु गुणवत्ता का स्तर और गिर गया है। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में चल रहा है। सफर ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार तक पराली जलाने के 3216 केस दर्ज किए गए थे। सफर का कहना है कि निचले स्तर पर हवा की गति, धूल उड़ना और कम आर्द्रता जैसे कुछ अन्य कारण भी हैं, जिसके कारण प्रदूषण के लिहाज से हालात प्रतिकूल हैं। हालांकि सफर के अनुसार एक सकारात्मक संकेत यह है कि हवा की दिशा पश्चिम की ओर होने वाली है।